व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू ऑस्ट्रेलिया। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइस, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ साहिल अहमद के बारे में। सो मैंने येस्टरडे की न्यूज में भी कवर किया था कि साहिल अहमद ने आमिर सिद्दीकी की एक कॉल रिकॉर्डिंग शो करी थी, जिसमें साहिल अहमद ने आमिर सिद्दीकी को एक इलीगल ऐप को प्रमोट करने के लिए कहा था, एंड आमिर सिद्दीकी ने इस ऐप को प्रमोट करने के लिए 35 लाख रुपीज मांगे थे। सो अगर आपने मेरी येस्टरडे की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। सो इसी न्यूज के कॉन्टिन्यूशन में साहिल अहमद ने लक्ष्य चौधरी को भी कॉल किया था इस इलीगल ऐप को प्रमोट करने के लिए, एंड इसके ऊपर लक्ष्य चौधरी ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि जिसके पास भी लास्ट 2 वीक्स में ये फेक ऐप प्रमोशन के कॉल्स आए थे और उन्होंने ऑडियंस प्राइवेसी के ऊपर पैसे चुने, उनके एल लगने वाले हैं ब्रो। दिस गाइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज डूइंग अ स्टिंग ओवर इन्फ्लुएंसर्स, आई गॉट हिज कॉल अ वीक बैक। अब ये सबकी कॉल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल रहा है। सो गाइस चलिए लक्ष्य चौधरी की कॉल रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। अभी बात क्या आया, हमारे जो ऐप है ये बैंक इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जो डेटा है पब्लिक का, हाँ हम सबको रीड कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब पता नहीं होगा, जो हमारा जो ऐप है इसी ऐप के माध्यम से उसका पर्सनल डेटाज और बैंक अकाउंट है भी रीड और एक्सेस हो रहा है। फोन काट दिया मतलब काहे सर, आप कर दीजिए ना। नहीं भाई यार, ये अनएथिकल चीजें करते नहीं भाई हम। एंड गाइज नॉट ओनली लक्ष्य चौधरी, साहिल अहमद ने टिकटॉकर मिस्टर फैजू एंड रियाज अली को भी कॉल किया था, तो चलिए उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। इसके बाद हम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया फैजू सर के साथ और रियाज के साथ। तो रियाज और फैजू के साथ मेरा तो डायरेक्टली बात नहीं हो पाया, लेकिन इनका मैनेजर के साथ बात हुआ। तो जब मैंने फैजू का मैनेजर को सब कुछ बोला है, आप कैसा है लीगल है, तब उन्होंने क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। आप चार्ज डबल ले लीजिए। नहीं सर, चार्ज की बात नहीं है, पर आप मुझे थोड़ा टाइम दो क्योंकि मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं आपको सेक्टर के बताती हूँ हम लोग ये प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है आप चेक करिए, जो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो देखिए ऐप पूरा नीट एंड क्लीन है ऊपर। ठीक है चलो मैं बात करती हूँ। तो जो भी है मैडम ने तो बाद में मेरे को फोन ही नहीं किया, लेकिन बाद में मेरे को मैसेज करके बोला जो देयर नॉट कंफर्टेबल इन प्रमोटिंग दिस ऐप, मतलब फैजू सर इन ऐप को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। शायद मैनेजर ने फैजू भाई को सब कुछ बताया और फैजू भाई शायद रिजेक्ट कर दिए, इसलिए उनका मैनेजर को और फैजू सर को भी बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से। उसके बाद हमने बात किया रियाज का मैनेजर के साथ, तो उनका मैनेजर को भी मैंने सब कुछ बता दिया था। हाँ सर से बात हुआ क्या? हाँ वो नहीं करना, नहीं हो पाएगा। अच्छा जी ठीक है। तो रियाज भाई ने भी ऑफर को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार है। सो गाइस आमिर सिद्दीकी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद इन तीनों ने जानबूझ के ऐप प्रमोशन को मना किया है या फिर ऑनेस्टली मना किया है, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स एलविश यादव की न्यू वीडियो ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार पार्ट 2 रिलीज हो चुकी है, एंड इसके ऊपर एलविश यादव ने क्या कहा चलिए देख लेते हैं। बताओ कि कौन सी चीज तुम्हें फेवरेट लगी, और पता क्या करना, अपनी स्टोरीज पे शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना, सब जगह फैला देना, और कुछ भी नहीं भाई, तुम वीडियो देखो स्वाइप। आप देखो एक बात बताता हूँ, मजा बांध दिया भाई तुम लोगों ने यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स, बहुत ही मजा आ गया मेरे को देख के। और जिसने नहीं देखी देखो, बाकी मुझे यार बताना कमेंट करके, या फिर यहाँ भी बता देना कि वीडियो कैसी लगी, बहुत मेहनत करी थी इसके, ये एपिसोड 2 है। अब आप लोगों का रिस्पांस बताएगा कि एपिसोड 3 आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो वो भी बोल रखा मैंने 5 लाख लाइक्स, इसलिए मुझे पता करवा दोगे। मैं तो सोच रहा हूँ इसके ना सीजन निकाल दूँ कि सीजन 1 सीजन 2 है जब वेब सीरीज पूरी। तो थैंक यू सो मच। सो गाइज अगर आपको भी पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। गाइज मैं बात करने वाला हूँ लोकतंत्र टीवी न्यूज चैनल के बारे में। सो गाइज ऑलमोस्ट 2 वीक्स बिफोर लोकतंत्र टीवी ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड करी थी। सो बेसिकली अडानी ग्रुप का ये कहना है कि इस वीडियो में लोगों को ये बोल के मिसलीड किया जा रहा है कि फार्मर्स के फूड ग्रेन्स को अडानी ग्रुप के ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाएगा, एंड देन अडानी ग्रुप उसे हायर प्राइस पे बेचेगी। एंड जस्ट लाइक दिस अडानी ग्रुप के अगेंस्ट काफी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करी गई। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अदानी ग्रुप ने लोकतंत्र टीवी के यूट्यूबर विनय दुबे के अगेंस्ट अहमदाबाद कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। सो इस केस के ऊपर कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आता है तो आई लेट यू नो गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं सिंगर अरमान मालिक के बारे में। सो अरमान मालिक फर्स्ट आर्टिस्ट बन चुके हैं जिन्होंने बिलबोर्ड टॉप ट्रिलर ग्लोबल चार्ट्स पर फर्स्ट पोजीशन साल में 2 बार अचीव करी है। सो माय बिग कांग्रेचुलेशंस टू अरमान मालिक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। गाइस मैं बात करने वाला हूं जीएसएम अरीना ऑफिशियल चैनल के बारे में। सो बेसिकली इट्स अ टेक चैनल, बट शॉकिंग बात तो ये है कि इस चैनल के कंटेंट क्रिएटर्स को ये पता ही नहीं था कि 1 साल से उनका चैनल हैक कर रखा है किसी ने, एंड दिस इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट हैकिंग आई हैव एवर सीन इन एनी यूट्यूब चैनल। सो ना तो चैनल के सब्सक्राइबर को कुछ पता चलेगा और ना ही चैनल के ओनर को यह पता चलेगा कि उनका चैनल हैक हुआ पड़ा है, बिकॉज हैक ये हुआ है कि उनके चैनल का जो भी रेवेन्यू है वो सारा हैकर के पास जा रहा है, वो भी 1 साल से। सो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि चैनल के साथ ये हैकिंग हुई कैसे है।
सो GSM अरीना का ऑफिशियल चैनल 2015 में मोनेटाइज हुआ था, एंड वो भी कन्वेंशनल वे में नहीं हुआ जैसे कि हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम में अप्लाई करके करते हैं, बल्कि उनके चैनल को एक MCN के थ्रू कनेक्ट किया गया था एंड MCN से उनके एडसेंस से पैसा जाता था एंड देन फाइनली उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता था। सो हैकर ने डमी MCN को हैक कर लिया एंड यूट्यूबर के अकाउंट में जो पैसा जाना था वो सारा हैकर के अकाउंट में जाने लग गया एंड इसका कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूबर के पास नहीं गया। एंड टिल नाउ इस MCN की प्रॉब्लम यूट्यूब ने रिजॉल्व नहीं करी है। सो लेट्स सी इस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती हैं तो आई लेट यू नो गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं फ्रेंड्स। एंग्री प्राची न्यू वीडियो टाइटल्ड इफ यूट्यूब वॉज इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस रिलीज हो चुकी है एंड इसके ऊपर एंग्री प्राची ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। अगर आपको एंग्री पैच की न्यू वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। आर्ट बाय वासिफ ने अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन, राजू बाबू फिशिंग ने अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन एंड फाइनली AL आमिर खान ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन। माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। गाइस जो मुझे न्यूज़ भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जो मुझे पहले न्यूज़ भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स मिल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड इसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।